हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट से चुनाव में इनेलो की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कैथल जिले में पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक जैन के प्रतिष्ठान पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एलनाबाद चुनाव में जीत के बाद अब वे दिल्ली जा रहे हैं, जहां गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें जोड़कर तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस व भाजपा से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इनेलो के संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर 36 बिरादरी के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। इसी एकजुटता का परिणाम है कि सरकार को एलनाबाद चुनाव में मिली भाजपा की हार के बाद पेट्रोल व डीजल के रेट घटाने पड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया के 152 देशों का दौरा कर वहां की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परंपराओं को समझा था। वहां जाकर एक बात की प्रसन्नता होती थी कि भारतवर्ष एक ऐसा अकेला देश है जहां सभी धर्म और मजहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वे प्रेम से रहते हैं। अब एक ऐसा समय आ गया है जब भाजपा ने जात पात का जहर फैलाकर देश के लोगों को बांटने का काम किया। इस कारण देश का बुरा हाल हुआ है। एलनाबाद चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष के लोग जुड़ा करते हैं। एलनाबाद के उपचुनाव में इनेलो के उम्मीदवार के खिलाफ सरकार समेत सारे विपक्षी दल एकत्र हो गए। हर हथकंडा अपनाने के बाद भी इनेलो की जीत हुई है। आप जो है, आपने पार्टी में जिस जोश भरा है दोबारा से दिन से, तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी केवल संगठन के माध्यम से लोगों की दिक्कतें, कठिनाइयां, जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले उन लोगों को याद आया जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे लोगों के हितों के रक्षार्थ सड़कों पर डटे बैठे, ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि उस संगठन में 36 जात के लोग शामिल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, समाज, धार्मिक, वाल्मीकि, लेकर खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणिहार, ब्राह्मण, बढ़िया, कर्मचारी और व्यापारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग उस संगठन में डटे हुए हैं। और इस वजह से डटे हुए हैं, इस मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी और परेशान है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इन लुटेरों को सबक सिखाया जाए, देश के लोगों को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मिले। चौटाला साहब, आपने कहा था यदि एलनाबाद उपचुनाव हम जीत गए तो मध्यवर्ती चुनाव। सर एलनाबाद आज बॉर्डर से लग गया है। एक मिनट भाई साहब, हम कर लें। एक मिनट तो साहब, जो आज देश के, प्रदेश के जो हालात हैं, हर वर्ग दुखी और हताश है, क्या कारण है कि भी सभी दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कर्मचारी भी परेशान है? मैं दुनिया के 152 मुल्क का सैर सपाटे के लिए विश्व के उन मुल्कों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परंपरा में मुझे उन मुल्कों में जाकर के एक बात को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। भारतवर्ष एक ऐसा अकेला देश है।